बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे झटपट लच्छा सलाद, जिसके लिए लिया है हमने 1.5 पाव प्याज लेके, 8 से 10 प्याजे लेके हमने इनको गोल गोल काट लिया है लच्छों की शक्ल में। आधी से आधी चौथाई गड्डी हमने पुदीने के लिए है। 8 से 10 हरी मिर्चें लेके इनको मोटा मोटा काट लिया है। 2 टेबल स्पून सिरका हमने लिया है, सफ़ेद सिरका हमने लिया है। 1 टीस्पून नमक हमने लिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला हमने लिया है। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची हमने ली है पिसी हुई। एक बार फिर से सभी चीज़ें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको झटपट लच्छा सलाद बनाना बताते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर, साफ सुथरे बाउल के अंदर प्याज के लच्छे डालेंगे। उसके बाद इसके ऊपर पुदीना डालेंगे। इसको हमने बारीक काट लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं किया है, फिर उससे उसकी खूबसूरती में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे। हम क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं, इसलिए हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ली हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। हर चीज़ के साथ तो ये सलाद अच्छा लगता ही है। वैसे ये ज़्यादातर लोगों को बनाना नहीं आता है, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल सलाद भी है, तो अक्सर लोग इसे बाहर जाके ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन हम आपको इसे बनाने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बता रहे हैं। अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, चाट मसाला शामिल करेंगे, कश्मीरी मिर्ची शामिल करेंगे, और लास्ट में बिल्कुल हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और चमचे की मदद से भी आप इसको चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर हाथ डाल के चलाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अक्सर हाथों से मिलाने से हाथों पे मिर्चें लग जाती हैं। सिर्फ यही वजह है जो हम आपको हाथों से मिलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि डिश को हिलाने से भी सलाद आपका मिक्स हो जाता है और चमचे की मदद से भी सलाद आपका मिक्स हो जाता है। हो चुका है लच्छा सलाद हमारा झटपट एकदम रेडी। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। जो कुछ भी आपके घर में पक्का हो, आप उसके साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, कचौरी के साथ, या फिर बेसनी पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इस लच्छा सलाद को इंजॉय कर सकते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती, कोताही और तारीफ़ को लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिए।